बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों दोस्तों, का क्या हाल है? ठीक है। तो रमज़ान के बाद माशाल्लाह ईद के बाद हम हाज़िर हुए हैं वीडियो में। तो दोस्तों, चैनल है आप लोगों का मल्टीमीडिया ट्रेंड, ये एक फैमिली चैनल है। ठीक है, इस पर आप दोस्तों भाइयों के लिए ही वीडियोस बनाई जाती हैं जो कि अच्छे कंटेंट की बेस पर होती हैं। ठीक है, चाहे आप बाइक का देखते हैं, चाहे कंप्यूटर का देखते हैं, चाहे वेब डिज़ाइनिंग का, चाहे हेल्थ का। ठीक है, और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं। ठीक है, तो वो आप तक पहुँचाई जाती हैं, जिसका सिर्फ पॉजिटिव रिज़ल्ट होता है, जिसका सिर्फ पॉजिटिव रिस्पांस होता है। जो अच्छी वीडियोस हैं अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला वही आप तक पहुंचाई गई हैं और इंशाल्लाह फ्यूचर में पहुंचाई जाएंगी। ठीक है, तो बात को आते हैं पॉइंट पे कि आज का हमारा टॉपिक है कि वर्कआउट, बॉडी बिल्डिंग, जिम एक्सरसाइज के लिए सबसे बेहतर अच्छा टाइम कौन सा है, कि विच इज़ बेस्ट एंड सूटेबल टाइम फॉर बॉडी बिल्डिंग। ठीक है, बहुत सारे हम भाई दोस्त कन्फ्यूज़ होते हैं कि कौन सा टाइम हम चूज़ करें, कब वर्कआउट करें, जॉब रूटीन, स्टूडेंट रूटीन क्या। तो एक चीज़ याद रखें, जैसे कि आज मैंने अभी वीडियो बनाई है, ये तकरीबन 4:15 का दरमियान का टाइम है, वो इसको अर्ली इवनिंग कहा जाता है। ठीक है ना, 3 से लेके 6 बजे तक का टाइम है, ये अर्ली इवनिंग टाइम है और ये बहुत बेस्ट टाइम है आपके वर्कआउट के लिए, चाहे समर डेज है चाहे विंटर डेज है। ठीक है, ख़ास तौर पर समर डेज में बस आप ये समझ लें कि जो अर्ली इवनिंग 3 से 6 बजे, आप 4 बजे जिम आ जाएं, 5 बजे वर्कआउट कर लें, 5 बजे आ जाएं, 6 बजे कर लें। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही बेहतर है, बाकी भी मॉर्निंग भी बेहतर है आपका, रात का भी बेहतर है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कुछ दोस्त भाई होते हैं जिनको रिजल्ट्स नहीं मिलते प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर जिनको नहीं हो पाते हैं, मतलब नहीं उनको अचीवमेंट मिलती, गेन नहीं होता साइज़, मसल साइज़, ठीक है ना, शोल्डर बाइसेप ट्राइसेप, क्योंकि कुछ लगाते रहते हैं लेकिन वो वेट वगैरह, लेकिन नहीं मिलती उनको ना अच्छे रिजल्ट्स। उसकी वजह ये होती है कि कुछ डाइट का, कुछ खाना पीना खाया हुआ, हज़म ना होना, वर्कआउट ना रखना, ये एक ऐसा टाइम होता है जिसमें आपका स्टमक एम्प्टी भी होता है, लाइट होता है और आप अच्छा वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे भी हकीम लुकमान साहब ने कहा था कि अगर हम दोपहर का लंच का खाना बंद कर दें तो सारे दिन खाने बंद हो जाएंगे। ठीक है, कोशिश रखें जो लंच है ना वो बहुत कम हो और बराए नाम सा हो। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपसे और भी बहुत अच्छी वीडियोस शेयर करेंगे आगे समर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो बात बताने का मकसद यही है कि अगर आप चाहते हैं अच्छे रिजल्ट मिलें, आप अच्छा ग्रो करें, तो अर्ली इवनिंग टाइम है ना उसको आप जो है ना वो कोशिश करें अभी रूटीन बनाने के लिए। ठीक है, जितना अर्ली इवनिंग टाइम रहेगा उतना आपको इंशाल्लाह ज़्यादा आपको फ़ायदा आपको मिलेगा। ठीक है, और वैसे भी एक बात कही जाए, अभी जो टाइम शुरू होगा जून, जुलाई, अगस्त, इन 3 महीनों में ना मसल बिल्डिंग कम होती है, मसल लॉस ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि बस ये 3 महीने आप समझ लेंगे आपने अपने आप को बस बैलेंस पर रखना होता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा ओवर डाइट आप ले नहीं सकते, ज़्यादा चीज़ें खा नहीं सकते, तो ज़्यादातर यही समझिए कि ये जो मंथ है ना सिर्फ आपको बैलेंस एंड कंट्रोल करने का है। तो इसमें जैसे जैसे गर्मी पड़ेगी तो मिनरल लॉस की वजह से मसल लॉस भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और कोशिश यही रखी जाए कि जो टाइम है 5 से 6, 4 से 6 या 6 से 7 तक, ये जो अर्ली इवनिंग है ये बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत बेस्ट है। ठीक है, और ज़्यादा फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, जूस का इस्तेमाल करें, ताकि आपका मैदा फ्रेश रहे, अच्छा रहे। ठीक है, और ओवर डाइट है उसे आप कंट्रोल रखें। ठीक है, इंशाल्लाह हाज़िर होंगे नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।